बागी विधायक हरियाणा से उत्तराखंड शिफ्ट होने से फिर बड़ी सुक्खू सरकार की चिंता। निष्कासित विधायकों को काला नाग कह चुके सीएम सुक्खू बोले, उन्होंने अंतरात्मा की नहीं धन की आवाज सुनी थी। मुख्यमंत्री के अनुसार चार्टेड प्लान से किसी नए ठिकाने पर पहुंचाए जा चुके हैं कांग्रेस के निष्कासित एमएलए व 3 निर्दलीय विधायक। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगाए जाने के बाद फिलहाल कांग्रेस सरकार पर नहीं समझा जा रहा है बड़ा संकट। विधायकों की बगावत के अगले ही दिन रिजाइन दे चुके विक्रमादित्य ने भाजपा में जाने की अटकलों को बताया था चंडू खाने की खबरें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक निजी होटल में बताए जा रहे हैं नवरत्न कहे जाने वाले हिमाचल के 9 एमएलए। 27 फरवरी को कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की लुटिया डुबोने में नवरत्नों की रही थी अहम भूमिका। प्रदेश का वातावरण ऐसा हो चुका है कि जो विधायक है वो सीआरपीएफ के कब्जे में है। 9 दिन से वो पंचकुला में एक ललित होटल है उसमें ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया है। कहाँ ले जाया गया इसकी सूचना तो अभी आई नहीं है। देखिए जो भी मैं बोलता हूँ ना खुले रूप से बोलता हूँ, है ना, मन में मेरा कोई मैल नहीं है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया चंडू खाने की खबरें हैं उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी थी वो की, करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 22 तारीख को बजट पास होना था, 22 तारीख को बजट पास होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की वो सड़क रास्ते से नहीं आए। प्रदेश में 70 सीट कांग्रेस द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उतारे गए देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी की लुटिया डुबोने वाले नवरत्न कहे जा रहे हैं। 9 विधायकों का ठिकाना बदलने के बाद एक बार फिर सूबे की सियासत में हलचल तेज हुई। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एक पब्लिक मीटिंग में 9 विधायकों को चंडीगढ़ और पंचकुला के होटल ललित से चार्टर्ड प्लान में किसी गुप्त ठिकाने पर ले जाए जाने की जानकारी दी और सीआरपीएफ पर उन्हें कब्जे में लेने के आरोप लगाए। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए 6 कांग्रेस एमएलए के बिकाऊ होने की बात समझाते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा नहीं बल्कि धन की आत्मा की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को तो कोई खतरा नहीं है मगर इन 9 विधायकों को बाद में जरूर पछतावा होगा। गौरतलब है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू हाल ही में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को काला नाग कह चुके हैं और इनमें से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुधीर शर्मा को जहां पार्टी से निष्कासित किया गया है, वहीं जानकारी के मुताबिक राजेंद्र राणा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे चुके हैं। सीएम द्वारा काला नाग कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र राणा ने उन्हें हिमाचल की विकास यात्रा को रिवर्स गियर में डालने वाला देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री कहा था। अपने संबोधन में हालांकि मुख्यमंत्री ने होटल ललित से शिफ्ट हुए 6 कांग्रेस व 3 निर्दलीय विधायकों के नए ठिकाने का पता न होने की बात कही थी मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह उत्तराखंड के ऋषिकेश के प्राइवेट होटल में पहुंच चुके हैं। शिमला से चंडीगढ़ और पंचकुला की बहुत कम दूरी होना था, कांग्रेस नेताओं द्वारा उनसे बार बार संपर्क किए जाने की कोशिश विधायकों के भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड पहुंचने का मुख्य कारण बताया जा रहा है।
गौरतलब है कि हिमाचल के कांग्रेस विधायकों की बगावत के अगले ही दिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पद से त्याग पत्र देने व शाम को फैसला बदलने वाले विक्रमादित्य सिंह दिल्ली जाते व 3 दिवसीय दौरे के बाद लौटते वक्त पंचकूला में नवरत्नों से मिले थे। 2 दिन पहले शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य ने उनके भाजपा में जाने संबंधी अटकलों को चंडू खाने की खबरें करार दिया था और उनके द्वारा अब अपने दिवंगत पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाए जाने का मुद्दा भी नहीं उठाया जा रहा है और फिलहाल उनकी बगावत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के राजनीतिक पंडितों के मुताबिक 1.25 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव से पहले तक जहां कांग्रेस के लगभग आधे विधायक विक्रमादित्य तथा उनकी माता में पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के खेमे में थे, वहीं सीएम सुक्खू द्वारा इनमें से अधिकतर की ताजपोशी किए जाने के बाद अब कांग्रेस के शेष सभी विधायक फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। बहरहाल हफ्ता भर पंचकुला में रहने वाले कांग्रेस के निष्कासित एमएलए व 3 निर्दलीय विधायकों के दूसरे भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड चले जाने से एक बार फिर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि सुक्खू सरकार पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं बताया जा रहा है। आज प्रदेश का वातावरण ऐसा हो चुका है कि जो विधायक है वो सीआरपीएफ के कब्जे में है। 9 दिन से वो पंचकुला में एक ललित होटल है उसमें ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया है। कहां ले जाया गया इसकी सूचना तो अभी आई नहीं है, लेकिन जो विधायक हमारे यहां से गए हैं, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 आजाद विधायक हैं, वो अपनी आत्मा से पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, किस प्रकार का दर्द उनके सीने में होगा, क्या पीड़ा उसके मन में होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने गलत किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जब बाहर आएंगे तो इनके मन में एक पीड़ा और एक पछतावा हमेशा के लिए होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को, निश्चिंत रहिए, चोरी से लेकर जो विधायक गए हैं और जो धन की आत्मा से अपने विधायक बिके हैं, अंतरात्मा नहीं थी, धन आत्मा थी वो। इसका मतलब मुख्यमंत्री की सोच का अंदाजा लाया जा सकता है कि जैसे एक चिड़ी होती है, चिड़ी के दिल के बराबर मुख्यमंत्री ने अपना दिल रखा है। मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो आदमी को अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए, और इसलिए लग रहा है आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है और प्रदेश के कई कांग्रेस के विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं, और आने वाले समय में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है जल्दी ये सरकार गिरने वाली है। हमने कई बार हाईकमान को जो है वो अवगत कराया है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और मुख्यमंत्री एमएलए को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। कई बार बोलने के बाद तो भी कोई असर नहीं हुआ, और उसके बाद अभी जो इसका राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत छोटा सा एक पहाड़ी सुंदर राज्य है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की कुछ उम्मीदें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने, कुछ हमारे सीनियर लीडर जो चुनाव हार गए, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कि राज्यसभा में चला जा सके।